दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार जेतु रहे विवेक जोशी अपने हक्कां लई आवाज बुलंद करन वाले अजिहे व्यक्ति ने जिन्हां ने हवाई अड्डियां ते विकलांगां नूं सुविधावां दिवाउण लई लड़ाई लड़ी है। विवेक जोशी ना तां चंगी तरह बोल सकते ने ते ना ही तुर फिर सकते ने। इस दे बावजूद भी उन्हां LLB, LLM ते MBA दी पढ़ाई कीती है ते हुण PhD कर रहे ने। दिव्यांगा दे सशक्तिकरण नूं लैके किते कम्मां कारण विवेक जोशी राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम अते प्रणब मुखर्जी हत्थों सन्मानित भी हो चुके ने। उन्हां नूं पालन अते इस लायक बनाउण लई विवेक दी मां कौशल्या देवी नूं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद वल्लों सन्मानित कीता गया। विवेक जोशी नाल मुंबई हवाई अड्डे ते घटी घटना ने ना सिर्फ विवेक दी जिंदगी बदली बल्कि उन्हां वांग अनेकां ही लोकां दे हक्कां दी लड़ाई भी लड़ी। आखिर की है ये घटना, सुनो विवेक दी जुबानी। मुंबई तो वापस जब मैं आन लगा तो एयर इंडिया के स्टाफ जान उन्होंने पहले तो बस लुकी की थी साढ़े ना और 1185 रुपए मंगे और जिदी की मौत मैंने खेती की थी। ऑफिशियल फ्लाइट का अटेंडेंट होंगे वो आते हैं तो वो थानू लैके जाते अंदर तक, पर एयर इंडिया ने यह सुविधा सानू नहीं दिती सी। फिर मेरे नाल मेरे पिता जी सी, मैं उन्होंने आइडिया दिता सीगा कि तुसी मैनू टको, मैं ट्रॉली नू टकूंगा तो समान लैके असी किसी तरह अंदर पहुंचे बड़ी मुश्किल ना। फिर उत्थे देखा तो ओल्ड एज वास्ते और सीनियर सिटीजन वास्ते कोई लाइन नहीं सी, अलग लाइन नहीं सी, तां वी असी लड़ाई की। और उन्होंने सीनियर सिटीजन तो ओल्ड एज वास्ते लाइन देन तो मना करता क्योंकि वो कहिंदे ये सारी फैसिलिटीज बिजनेस क्लास दी हैं। तो मैं उन्होंने विरोध किया कि यह गल गलत है क्योंकि साड़ी कॉन्स्टिट्यूशन ने सानू बेसिक राइट ऑफ इक्वलिटी का राइट दिता है तो सानू सम्मानित कर मिलना चाहिए, सानू प्रायोरिटी बेसिस से सानू अटेंड करना चाहिए। लगातार हवाई अड्डे से अपने हक लई बोलदिया ते लड़दिया विवेक जोशी नूं बेहद खज्जल खुआर होना पिया, पर जोशी का जज्बा रंग लिया है। एयर इंडिया ने जोशी के नुकत्या ते ध्यान दिंदिया दिव्यांगा ते सीनियर सिटीजन नूं लैके कई नवीं हदायतां जारी कर दित्तियां ने। सलाह दित्ता है और उहदे विच सिंपल जी गल है, ये मेल मेरे कोल हैगी, उहदे विच इन्हां ने कहा कि नॉन एम्बिट्री मतलब जिहड़े चल फिर नहीं सकते, जिहड़े पूरी तरह दिव्यांग हैगे 100% डिसेबल हैगे, उन्हां नूं कोई व्हीलचेयर दे चार्जेस नहीं देने पैणे। और जिहड़े भी दिव्यांग जन है ओल्ड एज है परसन है उन्होंने भी कोई चार्जेस नहीं देने पैने। और दूजी गल इन्होंने कही है कि जिहड़ा एयर इंडिया स्टाफ है वो व्हीलचेयर यूजर नूं जिथे उन्हें लोड़ है टैक्सी स्टैंड तक छड के आएगा या उन्हें पिक करने लई बाहर तक आएगा और उहदे लई कोई चार्जेस नहीं लिते जाणगे। और दूजी गल जे इन बिटवीन उन्हें किते उतरना है तो वो उतर भी सकता है। इस लड़ाई च जोशी दे पिता भी उन्हां नाल बराबर डटे रहे ने ते उन्हां इस बहस दौरान प्राप्त हुई जित नूं पूरे दिव्यांग भाईचारे ते सीनियर सिटीजन दी जित दसी है। असीं सारे पासे कंप्लेंटां करते हां, जलंधर पहुंचण तक सारे टीवी चैनल वाले साडे संपर्क च आ गए सी ते उस तों बाद टैलीफोन उहदा कहण लग गए असीं माफ़ी मंग लई, लेकिन वी वर नॉट सैटिस्फाइड। तो बल्कि कोई बंदा सानू टीवी चैनल वाले ने सानू पुछया कि तुसीं इहनां तों कुछ कंपनसेशन चाहते हो, असीं कहा नो फाइनैशियल कंपनसेशन, असीं चाहते हाँ कि भी जिहड़ा डिसेबिलिटी कम्यूनिटी नाल या सीनियर सिटीजन नाल जिहड़ा बदतमीजी मिसबिहेव है ये अगे तो रुकना चाहिए है। कहा जाता है कि जिंदगी जीउण दा मजा उदों आउंदा है जदों असीं ना सिर्फ अपने बल्कि दूजियां दी भी जिंदगी सवारन की कोशिश करते हैं। विवेक जोशी ते उसदे पिता ते जज्बे ने ना सिर्फ एक मिसाल कायम कीती है बल्कि दूजियां नूं भी अपने हक्कां लई बोलन लई प्रेरिया। जलंधर तो ETV भारत दी रिपोर्ट।